हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी का यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, जो अप्रोक्स 40 मार्क्स नीट में आता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th के लिए, ठीक है। जैसे उसका पहला चैप्टर जो है यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन होता क्या, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इंटू इट्स देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब जो ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, ऐसा फूड जो प्लांट और एनिमल से ऑप्टेन हो, उसी को कहते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिक फूड जो प्लांट और एनिमल से ऑप्टेन हो, ब्रेक डाउन करना इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब समझे, तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इंटू इट्स देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे शॉर्ट में लिखने के तरीका देखिए, SDS लिख सकते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ना है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड इज इक्वल टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट अब पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ठीक है, ये हमारा फिगर बन गया। अब हम लोग इस पर नेमिंग करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग माउथ मतलब जानते हैं मुंह, ठीक है। इसी को ये बोला जाता है एक और नेम, ओरल वेस्टिब्यूल, ठीक है। ओरल वेस्टिब्यूल इसको बोलते हैं बकल कैविटी। अब देखिए बकल कैविटी में होता क्या क्या है, टीथ कैविटी है तो वहाँ पर कुछ गुफा है, टंग, ठीक है, एंड सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, जिससे लार का जो निकलता है, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड। अब इसको फेरेंक्स, ठीक है, फेरेंक्स, ठीक है। अब इसका नाम क्या, लीवर, इसे होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये हो गया मेरा स्टोमक पेट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पेनक्रियास, ठीक है, पेनक्रियास। ये तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। ये तुम्हारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। ये तुम्हारा हो गया एनस, और यहाँ पे जो जहाँ पे वेस्ट मटेरियल रेक्टम स्टोर होता है, ठीक है, ठीक है, मल यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक। ये हो गया सिग्मोइड कॉलन, और ये सब पार्ट किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। यहाँ पे एक आया ऊपर जाने के बाद, ये क्या असेंडिंग कॉलन, ठीक है, असेंडिंग कॉलन। और यहाँ आने के बाद एक आया ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक। अब जब नीचे आने के तौर इधर आता है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन, ठीक। नाम सबका हो गया यहाँ पे। अब एक यहाँ पे हो गया अपेंडिक्स, है ना, अपेंडिक्स नाम सुने होंगे, बीमारी जैसे तरह के, इसका कोई काम नहीं होता, मतलब ये नॉन फंक्शनल है, ठीक है। और यहाँ पे एक कैम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक, हो गया आपका यहाँ पे पूरा डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, फिगर। और एक चीज़ देखना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का, ये तीनों का जैसे ए इसको लिखते हैं, बी और सी, यहाँ पे जैसे नेम इधर लिख देते हैं, क्या ए में क्या लिखे हो, यहाँ पे यहाँ तक का दूरी को बोलते हैं ड्यूओडेनम, ठीक है, ड्यूओडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट है। अब बी को बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक जेजुलम, ठीक है, और सी यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे इलम, ठीक है।
हम लोग अब पढ़ते हैं टीथ, ठीक है, दांत के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिगर डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब नेमिंग थोड़ा कर लिया करते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं एनामेल, ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हुआ। अब इसी को बोलते हैं डेंटाइन, ठीक, इसको नाम हो गया पल्प कैविटी, इसका हो गया एपिकल, है ना, ये पाथ जो हो गया आपका हो गया रूट कैनाल, ठीक है, रूट कैनाल। ये जो यहाँ से यहाँ तक इसको बोल, इसको हुआ क्रॉन, मतलब ऊपर का पार्ट जितना क्रॉन, ठीक है, ये हो गया मेरा नेक, और ये नीचे का पार्ट जो गया रूट, ठीक। तो इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, ये गम, गम मीन्स जानते हैं मसूड़ा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एक होता है, पहले दांत कैसे कैसे जुड़ा रहा था, ठीक है, पहले एक परत होता है इस पे, इसका नाम है सेमेंटम, ठीक है। अब यहाँ से एक और होता है जो, इसका नाम है पेरी डोंटल लिगामेंट, ठीक है। अब एक और होता है परत, इसको बोलते हैं एल्बुलियर बोन, ठीक है, तभी ना देखते हैं दांत कितना मजबूत से रहता है गम में, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ते हैं डेंटल फॉर्मूला, डायग्राम देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला होता क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन बकल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ डेंटल फार्मूला, मीन्स एक डेंटल फार्मूला ऐसा फार्मूला है जिसके मदद से हम लोग टीथ को अरेंज करते हैं इन बकल कैविटी, ठीक है। डेंटल फार्मूला एक फार्मूला है जिसके मदद से टीथ को हम लोग अरेंज करते हैं बकल कैविटी पे, समझ में आया। जैसे दो तरह का, जैसे मिल्क टीथ मतलब दूध वाला दांत को कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे उसका फार्मूला देखें, और एक परमानेंट टीथ का फार्मूला, ठीक है। जैसे देखिए ऊपर का अपर जॉ वाला है, नीचे का लोअर जॉ, ठीक है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये जो ये साइड का है, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, ठीक है, इंटू टू, ये फार्मूला है 2102 पे, ठीक है, अपर जॉ नीचे लोअर जॉ में भी है 2102, ठीक है। तो इंटू ये फार्मूला में इन हिसाब से देखिए तो 8 हुआ, ठीक है, इंसीजर 8 कैनाइन 4 प्रीमोलर 0 होता, ठीक है। मिल्क टीथ में देखिएगा प्रीमोलर 0 होता, ठीक है, प्रीमोलर 0, ठीक है, और ये मोलर 8 होता, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इधर जो है परमानेंट टीथ का क्या फार्मूला था, ठीक है, जैसे अपर जाओ लोअर जाओ, तो यहाँ पर है, इसके बाद देखिए ये 2123 इंटू 2, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 32 दांत होता है इस पर, ठीक है, और यहाँ पे 8 हो गया इंसीजर, केनाइन हो गया 4, पूरी मोलर हो गया 8, मोलर हो गया 12, ठीक है, ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं डाइफायोडिन, समझा, डाइफायोडिन का मतलब क्या होता है, सिंस टीथ आर बोर्न ट्वाइस, मतलब जो दांत है दो बार जन्म लेता है, जैसे एक मिल्क टीथ हुआ और परमानेंट टीथ, ठीक है। तो मतलब दूध का दांत और फिर दूध टूटने के बाद जो दांत आया उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ डाइफायोडिन, मतलब कितना दांत जो है दोबारा जन्म लेगा, कितना दांत दोबारा, दूध वाला दांत एक बार टूटा, ठीक है, दूध वाला दांत टूटा, ठीक है, तो वही फिर दूसरा बार में आएगा, तो टोटल हो जाएगा इस पे 20 आंसर, ठीक है, 20। और मोनोडेंट कितना हुआ, जो मतलब जो टूटा और बाकी जो लास्ट में आया एक ही बार आया उसका कितना आया हुआ आंसर, 12 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है नीट के लिए। तो यहाँ आया हेटेरोडंट, ठीक है, हेटेरोडंट मीन्स सिंस टीथ आर डिफरेंट आर, मतलब जो दांत है बहुत तरह का होता है, जैसे दो भाग में पहले दांत को बांटे, स्माइलिंग टीथ और चीक टीथ, समझ में आया, मतलब स्माइलिंग जो हंसते हैं तब दिखता हो, चीक मतलब चीक के गाल के सामने अंदर में हो, ठीक है, जैसे स्माइलिंग टीथ में इंसीजर और केनाइन, ठीक है, और चीक टीथ में हो गया प्री मोलर और मोलर, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है थेकोडंट, ठीक है, थेकोडंट मीन्स क्या हुआ, सिंस टीथ लोकेटेड एट सॉकेट ऑफ गम, मतलब जो टीथ जो है लोकेटेड हो, मतलब सॉकेट ऑफ गम में, मतलब मसूड़ा पे वो लोकेटेड हो,
हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक का नाम है टंग, ठीक है। टंग मतलब जीव, ठीक है। टंग का पहले हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं पूरा अच्छे से, तब उससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। इसको बोलते हैं सल्कस, ठीक है, टर्मिनालस, ठीक, सल्कस टर्मिनालस, ठीक, इसका नाम है। अब ये देखिए, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, इसको बोलते हैं ओरल पार्ट, ठीक, इसको बोलते हैं फ्रेंजियल पार्ट, ठीक है, फ्रेंजियल पार्ट, ऐसे लिखते हैं, हाँ, अटैच टू लोअर जॉ बाय फोल्ड स्किन, ओके, उसका नाम है लिंगुलम फ्रेनुलम, समझाया, लिंगुलम फ्रेनुलम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिंगुलम फ्रेनुलम। तो हम लोग कुछ यहाँ पे समझते हैं कि कुछ यहाँ पे हम लोग देखिए, अब ये कुछ नेमिंग करते हैं, ठीक है, जीव का डायग्राम, ठीक, ठीक है। ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है ये सब, इसका नाम है वायलेट पपीले, क्या पपीले, ठीक है, पपीले, ठीक है। अब पपीले होता क्या है, ठीक है, मतलब टेस्ट बर्ड, ठीक है, टेस्ट बर्ड, ठीक, टेस्ट बर्ड जो मतलब टेस्ट में जो हेल्प करे, ठीक है, उसका नाम है पपीले, उसको बोलते हैं, ठीक। ऐसे चार तरह का पपीले था, पहला तो देख लीजिए वायलेट पपीले, ये जो होता है लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट पपीले कौन, वायलेट पपीले, ठीक है। अब ये आया, देखिए यहाँ पे एक, ठीक है, इसको बोलते हैं फोलिएटेड, है ना, पपीले, ठीक है। दूसरा पपीले फोलिएटेड, ये जो है नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। अब ये आया, ये सब, इसका नाम है फंगी फॉर्म पपीले, ठीक है, पपीले, इसके हेल्प, ये जो है जीभ को पिंक कलर देता है, ठीक है, प्रोवाइड पिंक कलर, ठीक है, ये, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो है, ये जो छोटा छोटा, सबसे छोटा छोटा, इसका नाम है फिली फॉर्म पपीले, ठीक है, पपीले। और ये इसकी सबसे, ये स्मॉलेस्ट है, इसे ये सब याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट है और एंड न्यूमरस, और सबसे अधिक भी, ठीक, बस। पढ़ने वाला आगे पढ़ते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ टंग, मतलब जीव का क्या क्या काम, हेल्थनेस, मतलब वो बोल चाल में भी उसका मदद करता है हम लोगों को बोलने चलने में भी, ठीक है। हेल्प इन प्रोवाइडिंग टेस्ट, मीन्स टेस्ट में मतलब हम लोग को टेस्ट, स्वाद को भी बताता है कौन सा स्वाद है, ठीक, उसी को टेस्ट का एक और नाम है गस्टार्टिन, ठीक है, गस्टार्टिन टेस्ट का ही एक समझ लीजिए सिनोनिम है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे टेस्ट, कुछ टेस्ट लिखा हुआ है, सौर, खट्टा, कड़वा, नमकीन और मीठा, ठीक है। अब यहाँ पे आया, देखिए एक उमामी टेस्ट का न्यू खोज हुआ है, ठीक है, उमामी टेस्ट, ठीक, जैसे ये फिर जीभ का एक जो थर्ड है, हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ टीथ, दांत को साफ करना भी मदद करे, जैसे दांत में कुछ फंस गया तो उसको भी देखते हैं, जीभ का यूज़ हम लोग करते हैं। हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड, मतलब सलाइवा फूड से पूरा मिक्स करते हैं, ठीक, मिक्स में भी हेल्प आता है, ठीक है। अब आया नेक्स्ट टॉपिक, जो है टॉन्सिल रिंग, मतलब टॉन्सिल रिंग है क्या, उसको समझते हैं। टॉन्सिल रिंग को एक साधारण भाषा पे हम लोग बोल सकते हैं लिम्फ नोड, समझ में, लिम्फ नोड हम लोग जान सकते हैं लिम्फ, ठीक है, लिम्फ मतलब होता क्या, लिम्फोसाइट बोल सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, मतलब लिम्फ नोड मीन्स द प्लेस वेयर व्हाइट ब्लड सेल्स आर बॉर्न, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स का बॉर्न, मतलब वहाँ पे
उत्पन्न लिम्फोसाइट वहां पे उत्पन्न हो, ठीक है। तो लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है, ठीक है, लिम्फोसाइट का क्या काम है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, हमारे शरीर में एंटीबॉडी ओरिजिन करता है, उत्पन्न करता है उसमें, ठीक है। तो वही एंटीबॉडी हम लोगों को क्या काम करता है, हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज, मतलब वही बीमारी से लड़ता है, ठीक है, जैसे इम्यूनिटी हम लोग को देता है, ठीक है, इम्यूनिटी, ठीक है। यहाँ पे जैसे टॉन्सिल रिंग का हम लोग एक डायग्राम भी देख लेते हैं, देखिए ये है, ठीक है, देखिए ऊपर का जो टॉप में उसको फ्रेंजियल टॉन्सिल बोले, ठीक है, इसको बोले ट्यूबल, इसको पैलेटाइन टॉन्सिल, इधर से लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं उसका नाम है स्टोमिक, स्टोमिक में जानते ही हो पेट होता है, ठीक है। पहले डायग्राम देख लेते हैं कैसा क्या है, तो जो होता है पहले तो देखिए डायग्राम बना दिए, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट यहाँ का कार्डियक, यहाँ फंडस, ये बॉडी यहाँ वाला, और ये पेलोरस, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा वॉल में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पूरा दीवार में होता है, ठीक है, जहाँ जहाँ पेट है पूरा साइड साइड में होता है गैस्ट्रिक, समझाया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और ये है गैस्ट्रो एसोफेजियल स्पिंटर, मीन पेट वाला भी पार्ट और एसोफेजियल का, यहाँ है दोनों का जो बोलते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल स्पिंटर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर पेट खाली रहे पूरा तो इस तरह का दिखता है, ठीक है, हमारा कर्व जो से उसको रियोगे बोलते हैं, ठीक है, एकदम सिकुड़ जाता है, एकदम फोल्डिंग होता है, सीरीज ऑफ फोल्डिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन, मींस जो इंटेस्टाइन का हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम डायग्राम तो पूरा बना दिए, ठीक है, जो पहला है सेरोसा, ठीक है, ये मतलब आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, और ये प्रोटेक्टिव लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, प्रोटेक्टिव। उसके बाद देखिए ये दोनों दो टाइप के, वन और टू लिखे हुए, ठीक है, टू है ना और वन लिखे हुए, मतलब देखिए मुस्कुलरेसिस ये जो है दो तरह का होता है, एक सर्कुलर, पहला वाला सर्कुलर, सेकंड जो है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है सब मुकोसा, ठीक, उसके बाद जो ये है फोर्थ मुकोसा, ठीक। अब ये जो ये खाली है कैविटी, इसको बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है, ल्यूमेन क्या, ऐसा कैविटी जिसके जिससे फूड पास हो, ठीक है। अब ये हुआ, ये जो राउंड ये दिख रहा है इसको बोलते हैं भिलाई, ठीक है, भिलाई का क्या काम है, ठीक है, भिलाई सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन को इंक्रीज करता है, मतलब सरफेस एरिया जो है इंटेस्टाइन का इंक्रीज करता है, जिसके कारण उसमें मैक्सिमम वो शो करता है, उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, समझ में आया। तो इसको फिर यहाँ पे माइक्रोविलाई बस, और ये जो सीरीज है देखिए सेरोसा मुस्कुलरेसिस सब मुकोसा, ठीक है, मुकोसा और ल्यूमेन, ये याद रखिएगा नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फिगर बना देगा और उस पर ये सीरीज लिखने बोलते हैं, ठीक। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एलिमेंट्री के नाम तो कम्प्लीट हो गया, अब पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो ऐसा ग्लैंड जो डाइजेशन में करो उसको कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। हाँ, मैं पांच ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। अब नाम तो हो गया, अब लोग कुछ फंक्शन देखते हैं क्या क्या इससे कौन सा एंजाइम निकलता है, ठीक है। तो देखिए पहले सलाइवरी ग्लैंड पढ़ते हैं, फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड तीन तरह का, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पैरोटिड ग्लैंड को हम लोग एक्सटेंशन डक्ट भी कहते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नेम है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट नेम है। और सबलिंगुअल को कहते हैं डक्ट ऑफ रिविनस, ठीक है, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को कहते हैं, सबमैंडिबुलर ग्लैंड को वाट्सन डक्ट, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा, ठीक है, सलाइवा के बारे में कुछ पढ़ते हैं हम लोग। इसका पीएच वैल्यू जो है 6.8 होता है, मीन्स ये क्या है, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक है। तो ये एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक सिक्रेट करता है, ठीक है। और सलाइवा में क्या क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है, म्यूकस, मांड जैसा एक सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ है, जैसे पोटेशियम, सोडियम और क्लोरीन का कुछ पाया जाता है, और साथ में लाइसोजाइम, आयंस ऑफ थियोसाइनेट, मतलब आयंस ऑफ थियोसाइनेट और लाइसोजाइम इसमें पाया जाता है। इसका काम है टू किल द पैथोजेन प्रेजेंट इन फूड, मतलब जो फूड में पैथोजेंस पाए जाते हैं, कोई भी मतलब बैक्टीरिया और या कोई भी फंगस वंगस पाए जाते हैं उसको मार देता है, ठीक है, ये दोनों का काम, ठीक है। और इसमें एक एंजाइम भी निकलता है जिसका नाम है सलाइवरी इमालेस, इसको अरे ग्राम से टैलिन भी कहते हैं और डाइजेस्टेस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये सलाइवरी इमालेस का फंक्शन क्या है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ओनली 30% इसी पचाता है, ठीक है, 1 2 3 बोलो। तो हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड जो ग्लैंड था
गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता क्या है, कहाँ होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, मतलब स्टोमक के, ठीक है, ये स्टोमक के वॉल में होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक, स्टोमक के वॉल में होता है, ठीक है, और इससे निकलता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक। जैसे इसमें कुछ सेल, चार सेल है, उसमें से ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल के एक और नाम से आता है पैरिटल सेल, ठीक है, उसमें वो सीक्रेट करता है HCl, ठीक है, HCl उससे निकलता है। HCl का काम क्या है, सॉफ्टन ऑफ फूड पार्टिकल, मतलब वो फूड पार्टिकल को सॉफ्ट करता है, पूरा मुलायम कर देता है, ठीक है, कन्वर्ट इनएक्टिव एंजाइम, मतलब इनएक्टिव होता है उसको एक्टिव करता है, ठीक है, और किल द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द बोलस, मतलब वो जो माइक्रोब्स पाया जाता है, बैक्टीरिया ऐसा पाया जाता है बोलस पे, ठीक है, उसको मारता है, ठीक है। तो बोलस यहाँ है क्या, मतलब राउंड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक राउंड लाइक, ठीक है, तो और ऑक्सेंटिक सेल सीक्रेट करता है कैस्टर, ये भी एंजाइम है वो, जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड जो है म्यूकोसस सेल, ठीक है, उसी का और एक नाम है गोबलेट सेल, ठीक है, वो सीक्रेट करता है म्यूकस, मीन्स यही हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है HCl से, ठीक है, पेप्टिक सेल, जेमोजेन सेल, ठीक है, और चीप सेल, ठीक है। इसको पेप्टिक सेल क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो है पेप्सिनोजेन नाम का इंजाइम सीक्रेट करता है, इसलिए पेप्सिनोजेन, और जेमोजेन इसलिए कहा गया इसको, क्योंकि जितना भी इंजाइम सीक्रेट करता है सब नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है, नॉन फंक्शनल है, ठीक है, कोई काम का नहीं, ठीक है, नॉन फंक्शनल, इसलिए इसको जेमोजेन कहा गया, ठीक है। एरो इंडोक्राइन है, जो ये दो हार्मोन का करता है, ठीक है, हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन है, ठीक है, जो गैस्ट्रिन और सेरोटोनिन, ठीक है, जो पहला गैस्ट्रिन का क्या फंक्शन है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मतलब ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है, जब अगर गैस्ट्रिक जूस का कमी पड़ता है तो वो इंक्रीज करता है, उसका मात्रा को इंक्रीज कर देता है, और डिक्रीज है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जब मतलब हमारे शरीर में गैस्ट्रिक जूस का ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है तो उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है थर्ड ग्लैंड जो है लीवर, ठीक है, जिसको सबसे बड़ी ग्रंथि, मतलब सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिगर ऐसे बनाए हुए हैं, ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हेपेटिक सेल है, ठीक है, हेपेटिक सेल, ठीक, हेपेटिक सेल, ठीक है, ये देखिए हम लोग इसको लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ठीक है, ये मेरा हो गया राइट लोब ऑफ लीवर, ये जो है 5/6 के रेशियो में होता है, और ये 1/6 रेशियो में होता है, ठीक है, मींस अगर लीवर को 6 टुकड़ा में करते हैं तो ये 5 टुकड़ा इधर होता है राइट साइड, और एक टुकड़ा जो है लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो ये जो है गॉल ब्लैडर है, इसको हम लोग पीत भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, और ये पोर्शन है जो यहाँ पे उठा हुआ है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टिक, ठीक। अब जो ये इधर से जो लेफ्ट से आ रहा है, ठीक है, ये डक्ट जैसा, मतलब ये पाइप जैसा, इसको बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोले, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट जहां मिलता हो उस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरा हो गया पैनक्रियाज, तो इसमें जो डक्ट है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। देखिए इधर से जो मिल रहा है, ये डक्ट मिल रहा है और पैनक्रियाटिक डक्ट मिल रहा है, तो ये पोर्शन को हम लोग बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुले, ये जो ये पोर्शन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अस फिंस्टर ऑफ ओडी, ठीक है, और ये जो हमारा था ड्यूडेनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन पे का फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, ड्यूडेनम, ठीक, जो पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है, फंक्शन ऑफ लीवर,
तो पहला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ बायजूस, बायजूस का फॉर्मेशन करता है। तो सेकेंड है यूरिया का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस है, ठीक है, मतलब कन्वर्ट मतलब करता है, ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में, ठीक है। ग्लूकोजेनेसिस मीन्स ग्लाइकोजेन जो स्टोर था लीवर में उसको चेंज करता है ग्लूकोज में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है ब्लड प्रोटीन, कुछ ब्लड प्रोटीन का जिसका नाम दिया हुआ है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये सब जो है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और एक हेपारिन जो है एंटी कोलुगेंट है, मतलब ये क्लोटिंग होने का विरोध करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मीन बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन रेगुलेशन मीन्स होता है बैलेंसिंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन बॉडी, ठीक है। और सेंथेसिस ऑफ लिपिड, मतलब सेंथेसिस ऑफ लिपिड मीन्स लिपोजिनेसिस मीन्स लिपिड का मीन्स फैट का ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ हीट हमारे और शरीर में भी एकदम गर्मी का एहसास।